उत्तर प्रदेश श्रावस्ती गिलौला ब्लॉक के गांव नंदलपुरवा ग्राम पंचायत किशुनपुर चंदनबाड़ी के निवासी बलिराम सहित 50 गरीब परिवार के लोगों का सन 2011 के बीपीएल सूची में नाम दर्ज है, लेकिन इन सभी गरीब परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना न मिलने के कारण इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, समस्या मेरा यही है कि जैसे बाढ़ भैया आता है, अभी हमारे पास सब फूस मकान बने हुए हैं, हमारे पास कोई एक ईंट रखने का जगह नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि हम उसको बना सकें। सर, मुझे यही कहना है कि हाँ, कॉलोनी मिलना चाहिए हम लोग को, आवास मिलना चाहिए जिससे हम लोग को सुरक्षित रहे। बाढ़ भैया आती है, सब दीवार गिर जाती है, देखो फूस मकान जो रहता है गिर जाने पर जानवर भी कचर जाते हैं और बच्चे भी कचर जाते हैं और खतरा हो सकता है उसे, लेकिन अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है, चिल्लाते हैं बार बार, कोई सुनवाई नहीं होता है हमको। आवाज़ के लिए हम लोग कहीं तक नहीं गए, खाली प्रधान जो भी प्रधान हुआ उस प्रधान से हम लोग कहे, प्रधान जी हमारे यही कहते हैं, कोई भी प्रधान आया, हाँ देखता हूँ करता हूँ, देखता हूँ करता हूँ। हमारे पास साहब बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पास घर मकान नहीं है, घर मकान है नहीं, फूस फक्कड़ बनाए हैं, आंधी आने पर ये सारा उड़ जाता है, बरसात में घर चूने लगता है, राशन पानी जो है वो सब भीग जाता है, कहाँ हम बनावे खाएँ, कहाँ अपने बच्चों को खिलावें, कहाँ सोएं। हम मजदूर आदमी कमाते खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, फिर भी फूस नहीं छा पाते हैं, महंगाई आ गई। हमारे गांव में 50 लोग हैं जिसके पास आवास नहीं है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है कि हाँ वो लोग हैं बाढ़ राहत में कि बह गए। प्रधान लोगों से बोले वो आवास नहीं दे पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो यही लिख लेते हैं कि हाँ आवास मिलेगा, फिर भी नहीं मिल पाता है। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग गिलौला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर 94 54 46 48 56 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।